हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप नॉर्मल विंडो कैसे, मतलब विंडो की फर्स्ट क्लास में, कंप्यूटर बेसिक की फर्स्ट क्लास में आप कैसे कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं। तो ये लैपटॉप है डेल का वोस्ट्रो 1310 सीरीज़ है। तो ये लैपटॉप जो है आपका, जैसे कंप्यूटर होता है उसी तरह ये लैपटॉप है। लैपटॉप में भी कीबोर्ड, माउस, बैटरी, डिस्प्ले होता है और लैपटॉप में एडिशनल कीबोर्ड भी लगा सकते हैं जिस तरह कंप्यूटर में चलाते हैं। तो कंप्यूटर में आपके पास एक डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले और फिर उसके बाद ये आपका कीबोर्ड हो गया और आपके पास डिस्प्ले हो गया, विंडो डली होनी चाहिए, एक UPS होता है जिससे बैटरी बैकअप होता है, लैपटॉप में पीछे बैटरी लगी होती है और जो है आपको एक माउस चाहिए होता है हाथ जमाने के लिए। जैसे इस तरह मैं दिखा देता हूँ, वो डेस्कटॉप में होता है और लैपटॉप में अडैप्टर होता है अपना, लैपटॉप में अडैप्टर होता है। अडैप्टर इसलिए काम आता है लैपटॉप को चालू करने के लिए, करंट देने के लिए, जिस तरह UPS कैबिनेट जो होता है कंप्यूटर में, CPU कैबिनेट जो होता है उसमें सब कुछ लगा होता है जो अडैप्टर का काम करता है। और वहाँ से आप मतलब आप ऑन करते हैं पावर बटन से, ये पावर बटन है, यहाँ से दबाएंगे तो इस तरह विंडो, ये ऐसी विंडो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको पहला काम क्या होता है, ये स्टार्ट बटन, ये नीचे जो ये जो अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसे हम ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये आपकी डेस्कटॉप है और ये जो रो होती है ये वाली, ये नोटिफिकेशन बार कहते हैं, नोटिफिकेशन बार इसमें जितने भी प्रोग्रामिंग होते हैं, तो प्रोग्राम जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फोल्डर है, मीडिया प्लेयर है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, फोटोशॉप है, इस साइड आप आइएगा तो ये नोटिफिकेशन बार में टाइमिंग है और इधर से डायरेक्ट, मतलब कुछ भी आपने यहाँ काम कर रखा है तो यहाँ से डायरेक्ट आपको इस साइड आने के लिए आप शो डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये शो डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइम दिखा देगा। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान दें, इंटरनेट चलाते हैं तो आपका टाइम ज़रूर ठीक होना चाहिए, टाइम में दिक्कत है तो आपका इंटरनेट में दिक्कत प्रॉब्लम आएगी चलाते समय। तो यहाँ आपका स्पीकर से रिलेटेड दिखाएगा आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक, इस तरह आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये आपका वाईफाई है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब अथरनेट की तरह आएगा, वाईफाई नहीं होता है, अथरनेट होता है और कंप्यूटर में ज़्यादातर वाईफाई नहीं होता तो अथरनेट दिखाता है जिससे आप केबल के थ्रू चला सकते हैं। ये पावर एडेप्टर है जो फुल चार्ज दिखा रहा है, फुल चार्ज हो चुका है। ये फाइ, ये आपका एयर, ये विंडो डिफेंडर है जो एक्शन सेंटर है जहाँ से हर तरह के एक्शन देख सकते हैं, जैसे कि ये एक्शन होते हैं विंडो अपडेट्स, ये ओरिजिनल में होते हैं, ये पायरेटेड विंडो है इसीलिए इसमें हमने बंद कर रखे हैं। ये ऑटोमेटिक अपडेट्स के लिए होते हैं, जो विंडो में कोई अपडेट आती है तो आपको यहाँ से अपडेट मिल जाती है।
यहाँ से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है नेट होने कनेक्ट होते ही, तो विंडो आपकी अपडेट हो जाती है, ओरिजिनल होती है। तो मेन हमने इस क्लास में यही जाना कि ऑन कैसे करते हैं, पावर बटन से ऑन करते हैं, और ऑफ़ कैसे करेंगे, स्टार्ट बटन पर जाएंगे। माउस, सबसे पहले आपका माउस पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये शट डाउन कर पाएंगे। और शट डाउन के लिए मेन देख लीजिए, मैं बता देता हूँ पीसी में। फिर एरो की, एरो की से आप शट डाउन बटन पे आ गए हैं और एंटर कीजिएगा, शट डाउन हो जाएगा। मुझे अभी शट डाउन नहीं करना है, जैसे सपोज करके ही दिखा देता हूँ। शट डाउन, ये शट डाउन का प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ से शट डाउन हो जाएगा सिस्टम। ये अपना शट डाउन हो गया। आपको दोबारा से बता देता हूँ, पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन हो जाएगा। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे बायोस होती है जो लैपटॉप की डिटेल्स होती हैं उसमें, वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में, सेकंड या थर्ड या फिफ्थ क्लास में आपको इसके बारे में बता दूंगा, जहाँ से आपका टाइमिंग चेंज हो सकता है, ड्राइव वगैरह पता कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ लगी हुई है उनके बारे में पता कर सकते हैं, बायोस होता क्या, बायोस की सेटिंग क्या होती है वो बता दूंगा। तो इस क्लास में बस हम ऑन करना, चालू करना, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर मतलब कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास कंप्यूटर बेसिक सीखने के लिए। और कंप्यूटर बेसिक में मेन जो आता है आपका वर्ड पैड, नोट पैड और पेंट, और बेसिक चीज़ें जो होती हैं विंडो की सेटिंग वगैरह, डेस्कटॉप पे कैसे चेंजेस कर सकते हैं, और तमाम सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप इससे आगे का सीखने वाले हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आगे देखते हैं, आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखिए नेक्स्ट क्लास में।